देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कालिंदी कुंज घाट दक्षिणी दिल्ली के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इस घाट पर दिल्ली के अलावा नोएडा के कई सेक्टरों और फरीदाबाद में रहने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा करने के लिए हर साल आते हैं। ऐसे में यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के साथ साथ साफ सफाई के भी बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा को लेकर इस साल यहां पर हालात काफी दयनीय है और यहां पर खड़ा होना भी दुश्वार हो गया। HS News की टीम गुरुवार शाम को कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची, जहां हमारी रिपोर्टर ने घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है, ऐसे में हम पहुंच गए हैं इस समय दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पे। यहां पे हम प्रशासन और यहां के मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिर छठ की कितनी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट में, जहाँ पे छठ पूजा की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। मेरे बगल में आप देख सकते हैं इस समय सफाई अभियान चालू है, लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं घाट की, क्योंकि लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं स्नान के लिए। सफाई का काम बहुत ज़ोर शोर से चालू है, हर कोई बस साफ सुथरा करने में लगा हुआ है। हालाँकि नदी आप देख सकते हैं, नदी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, यहाँ पर खड़ा होना भी दूभर है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। लेकिन अब पूजा है तो लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पे। प्रशासन द्वारा सारी अपनी तैयारियाँ की जा रही हैं। दीपावली बीतने के बाद लोग अक्सर पूजा सामग्री का विसर्जन यमुना नदी में ही करते हैं, इसी के चलते कालिंदी कुंज घाट पर गंदगी का अंबार लगा है। अब तक इसकी सफाई पूरी तरह से नहीं की गई है। हालांकि छठ पूजा समिति के अध्यक्ष का कहना है कि छठ पूजा से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि अर्घ देते समय श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। मैं विकास राज छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूं। कालिंदी कुंज 20 साल से यहां आ रहा हूं। यहां काफी साल में बहुत ही लोग आते थे, जंगल हुआ करते थे, लोग डरते थे। हम लोग किसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट से लड़के जो है हमने यहाँ पे लिया, मगर यहाँ पे जो है व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट ने तो करी है, मगर यमुना का जो पानी है इतना गंदा है कि मानिए कि यमुना का पानी ना होके क्या नाम है कि कॉलोनी का जो गंदा पानी निकलता है वो पानी है यहाँ पे। फिर भी लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंदा, फिर भी जो है यहाँ पे लोग बढ़ती लोग आते हैं। और क्या नाम है अभी जो है क्या नाम है बिजली की व्यवस्था चल रही है, टेंट की व्यवस्था चल रही है, हर चीज़ की व्यवस्था चल रही है यहाँ पे, मगर असली व्यवस्था कल जो है सामने आएगी क्या नाम है कि क्या कमियाँ है गवर्नमेंट के अंदर, तभी इसका बयान दे पाएंगे हम लोग। यहाँ पे करीब 1 से लेके 15-1.5 लाख तक आती है पब्लिक, मगर क्या नाम है जो 2 तारीख की जो पब्लिक होगी वो कम होगी, जो 3 तारीख की जो संडे को सुबह आएंगे जो शुरू हुए हैं उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे ऐसी जगह हो जाएगी क्या नाम है कि आप मीडिया वाले भी अंदर नहीं घुस पाएंगे, ये स्थिति होगी यहाँ पे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस तो क्या नाम है 3 दिन से क्या नाम मुस्तैद है, और फ्लड डिपार्टमेंट जो है वेरिटेंगे आप देख रहे होंगे लगा रहे हैं यहाँ पे ताकि कोई डूबे ना, उनको बचाने की व्यवस्था। MCD वाले जो है सफाई के लिए लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई है वो तकरीबन कल शाम तक जो है सारी सफाई पूरा कर देंगे ये लोग। इसके अलावा पूजा के समय किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव को लेकर छठ घाटों का बैरिकेडिंग करते हुए वहां गोताखोर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। मेरा नाम भोला गोताखोर है, मैं 20 साल से यहीं रहता हूं। अब किस साल क्या हुआ कि वो दुर्गा पूजा यहाँ नहीं हुई और गणपति नहीं हुई और विश्वकर्मा, आपके यहाँ छठ पूजा हो रही है और पानी भी अभी खुला है, और हर साल ये जाली वाली लगती थी अब लगा रहे हैं, और हमारे लिए तो यही ड्यूटी है यहाँ, कोई भी गिरे डूबे कैसे भी पानी है गंदा हो या सब साफ हो हमें तो कूदना पड़ता ही है। 3-4 महीने की ड्यूटी हमें मिलती है, मैं तो खैर 24 घंटे ही रहता हूँ, मेरा काम मदनपुर खादर है और यहीं अपने घाट पर ही रहता हूँ। और ये लग रहा है इंतजाम, सब में जाली वाली लगा देंगे सेफ्टी के लिए,
फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं, इसको कूद तोड़ कर कूद जाते हैं, वो पानी में सोचते हैं कि हम तैरना जानते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं, उनको फिर पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। और जिसको टेंट का ठेका मिला वो टेंट लगाएगा। हमारा गोताखोरी का काम है, हमारे इधर 5-7 गोताखोर हैं इस घाट पर, बोट है अपनी, उसमें हमारा तो यही काम है कि जो गंदा हो या पानी, जो कोई भी कैसा ही पानी हो, हमें तो निकालना ही पड़ेगा। कोई डूब जाएगा उसकी मिट्टी भी देनी पड़ती है, जिंदे को कोशिश जल्दी करते हैं निकालने की। वहीं कालिंदी कुंज पर यमुना नाले में तब्दील हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियों के मद्देनजर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े घाट पर अब तक थोड़ी बहुत ही तैयारियां शुरू हो सकी हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय यमुना नदी के हालात इतने खराब हैं, इतना प्रदूषित पानी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहाँ के प्रशासन से बात हुई, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे लाखों औरतें आती हैं, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने, आस्था की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि गंदगी में भी कोई कमी नहीं है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आस्था में भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। छठ पूजा के लिए लोग घाट पर लकड़ी की बाड़ लगाकर अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि व्रत रखने वाली महिलाओं को यमुना के तट पर पूजा करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंकज ठाकुर मेरा नाम है, मैं यहाँ छठ पूजा की सफाई करने आया हूँ। मुझे छठ पूजा के अर्घ देना है, इसीलिए यहाँ पहले सफाई वफाई कर लेते हैं, ताकि हमें कोई आगे भीड़ में दिक्कत ना हो। इस वजह से हम लोग यहाँ पहले सफाई करने हर साल आते हैं। तो ये जो जगह आपने अपने लिए बनाई है, हाँ, इसमें आप क्या पूजा करते हैं? इसमें हम लोग पूजा यहाँ पे सिर्फ जो हम घर से आएंगे तो यहाँ हम लोग बैठेंगे, यहाँ पे सूप तैयार होगा। छठ पूजा जब सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए होता है, उनका सूप तैयार होगा यहाँ पे, उसके बाद तैयार होगा तो जब सूरज भगवान शाम को डूबते टाइम कल पूजा करेंगे, फिर उसके बाद सुबह पहर उगते टाइम करेंगे। सुबह में आएगा भी, देखिए प्यार से कोई बोलेगा कि हम भी अब लूट लिए तो उससे झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आ गया तो हम जैसे हम अपना बनाए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले अपना आके बैठ के पूजा करें यहाँ पे शांति से। भीड़ की वजह से हम अपना आके बना दिए पहले, ताकि हमें कहीं बैठने उठने की आने जाने की दिक्कत ना हो। हर साल प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ देखने? प्रशासन की तरफ से तो ठीक ही रहता है सेवा पानी, मतलब लाइट वाइट की भी हर साल अभी तो है, कचरा भी साफ हो जाएगा, नहीं इतना गंदगी कहीं नहीं मिलता हमें। हर साल यहाँ छठ पूजा में सही व्यवस्था मिलता है। हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और आके पानी में खड़ा रहते हैं जब तक सूरज भगवान उगते नहीं हैं। जब तक उगने के बाद जब उगते हैं तो ही हम लोग छठ पूजा का अर्घ दे के फिर बाहर निकल के पारण करते हैं। पारण करके फिर यहाँ से पूजा होगा यहाँ पे धूप वगैरह, धूप होने के बाद फिर हम लोग घर जाएंगे, घर पूजा करके फिर हम लोग नाश्ता पानी कुछ खा सकते हैं। कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से यहां पे साफ़ सफाई से लेकर घाट बनाने तक को पूरी तरह से सारी तैयारियां चल रही हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे लोग घाट की सफाई कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह रिजर्व कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आके पूजा कर सकें। कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो टीला जैसा बनाते हैं, ये मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं आके। ये सूर्य भगवान का मंदिर होता है, यहाँ पे लोग आके पूजा करते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे पूरी तरह से साफ़ सफाई है, हालांकि इसके अगल बगल में काफ़ी गंदगी है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि MCD इसको भी जल्दी ही आके इस कूड़े के ढेर को उठा लेगी। और वहीं आप देख सकते हैं लाइटें भी लगनी शुरू हो गई हैं, शाम ढलने को है, लाइटें भी लगनी शुरू हो गई हैं ताकि ये जगह पूरी तरह से शाम को जगमगा जाए, पूरी तरह से ये आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो है गंदगी की किसी तरह की कमी नहीं है और आस्था में भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। और बस देखना ये है कि लाखों की भीड़ जो आएगी, देखना ये है कि इस भीड़ को प्रशासन किस तरह से मैनेज कर पाती है। HS न्यूज़ के लिए कैमरामैन करमवीर के साथ मैं सौभाग्य गुप्ता। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।